नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर नितेश राज। आज हम आपको बताएंगे कि किन कारणों से हमारा हीमोग्लोबिन जो है लो हो जाता है और किन कारणों की वजह से जो है हीमोग्लोबिन हाई होता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले कि किन कारणों से लो होता है। देखिए, हीमोग्लोबिन जो होता है आरबीसी के अंदर होता है। अब किन कारणों से लो होगा, तो अगर आपका डाइट्री इंटेक जो है आयरन का, क्योंकि आपको मालूम है कि हीमोग्लोबिन आयरन हीम प्लस ग्लोबिन मींस कि आयरन होता है उसमें, तो अगर आप आयरन की कमी हो रही है खाने में तो इसके चलते लो हो सकता है। और एक कारण हो सकता है कि या तो ब्लड लॉस ज्यादा हो रहा है। ब्लड लॉस किस कारण से हो सकता है, या तो इंजुरी हुई उसके चलते अगर ब्लड लॉस हो सकता है रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स में, या तो आपके शरीर में ही कुछ ब्लड लॉस हो रहा है और आपको पता नहीं चल रहा है, जैसे कि आपके पेट में अल्सर है और वहां से हल्का हल्का ब्लड जो है निकल रहा है, लैटरिन काला हो रहा है, इस कंडीशंस में भी हीमोग्लोबिन लो हो जाता है। या जिन महिलाओं में जो है देखा जाता है कि जो मेंस्ट्रुअल पीरियड जो होता है इरेगुलर होता है, कभी बहुत ज्यादा अगर ब्लीड होता है तो इस कंडीशंस में भी होता है। तो ये लॉस हो गया, एक हो गया कि कमी हो गई खाने की, दूसरा हुआ कि ऐसा हीमोग्लोबिन बन रहा है जो डिस्ट्रक्शन हो जा रहा है, नॉर्मल नहीं बन रहा है। तो किन किन कंडीशंस में जो है हीमोग्लोबिन नॉर्मल नहीं बनता है, थैलेसीमिया के कंडीशंस में, एक सिकल सेल एनीमिया होता है इस कंडीशंस में, या हेरिडेटरी स्फेरोसाइटोसिस होता है इस कंडीशंस में। तो शरीर में जब भी एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन बनेगा तो उसका जो फेट है कि वो जल्दी टूट जाएगा, और जल्दी टूट जाएगा तो फिर हीमोग्लोबिन की कमी होगी। एक कंडीशन और होता है कि जो हीमोग्लोबिन जो है मेनली बनता कहां से है, तो ये बोन मैरो से बनता है, और इसको बनाने के लिए एक हार्मोन चाहिए, जो हार्मोन जो है किडनी से निकलता है जिसका नाम है एरिथ्रोपोएटिन। तो अगर आपका किडनी में कोई बीमारी है, क्रोनिक किडनी डिजीज है, तो एरिथ्रोपोएटिन हार्मोन की कमी हो जाएगी, और अगर इस हार्मोन की कमी होगी तो वो बोन मैरो में जो है स्टिमुलेट नहीं कर पाएगा हीमोग्लोबिन के प्रोडक्शन को। तो एक ये भी कारण हो सकता है। अगर बोन मैरो में ही प्रॉब्लम है, जैसे कि एप्लास्टिक एनीमिया, इस कंडीशंस में जो है बोन मैरो में सारे जो सेल्स होते हैं इनका नंबर बहुत कम जाता है, तो एप्लास्टिक एनीमिया है, तो इस कंडीशंस में भी आपका देखा जाएगा कि हीमोग्लोबिन जो है काफी कम आएगा। तो ये सब एक मोरोलेस एक कारण होता है जिससे देखा जाता है कि हीमोग्लोबिन कम आता है। और एक बहुत कॉमन कारण है हमारे देश में, तो सबसे कॉमन होता है, दैट इज न्यूट्रिशनल एनीमिया, दैट इज कि आयरन की कमी है। और एक देखा जाता है वर्म्स हो गया, पेट में बहुत ज्यादा अगर कीड़ा है तो वो सब क्या करता है, खून चूस रहा है आपका, और खुद वो ग्रो कर रहा है और आपका खून निकाल रहा है, तो इस कंडीशंस में भी आपका हो जाएगा एनीमिया। तो इसी हीमोग्लोबिन की कमी को एनीमिया बोलते हैं। तो ये हो गया कि जो एनीमिया है इसके क्या क्या कारण है। अब इसका इलाज क्या करते हैं, इलाज में जिस किस लेवल का एनीमिया है, जैसे कि मान लीजिए कि 12 से 14 हर एज के लिए फिक्स किया गया है कि कितना होना चाहिए हीमोग्लोबिन का रेंज। अगर मान लीजिए कि वो थोड़ा कम हुआ तो फिर हम उसको टैबलेट या सिरप देके कम मतलब कंपेंसेट करेंगे। अगर देखते हैं कि मॉडरेट कम हुआ, थोड़ा ज्यादा कम हुआ, तो फिर उसके लिए हम जो है आयरन सुक्रोज या इंजेक्शन आता है वो देंगे। बहुत कम अगर हीमोग्लोबिन हो गया, मतलब खून कम हो गया, तो उसके लिए फिर ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत पड़ती है। तो ऐसे ट्रीट करते हैं खाने वाने का, इसको बोलते हैं कि जो आयरन रिच फूड है ये सब खाइए। नेक्स्ट होता है कि किन कारणों से हीमोग्लोबिन काफी बढ़ जाता है। अब देखिए, इसको समझने के लिए सबसे पहले ये समझिए कि जो भी कंडीशन अगर बॉडी में है जिसमें ऑक्सीजन की कमी हो रही है, जैसे कि कोई स्मोकर है, बहुत स्मोक करता है, तो लंग्स ऑलरेडी उसका जो है काफी हद तक जो है डैमेज्ड है, इंजुरी हुई हुई, तो उस कंडीशंस में जो है ऑक्सीजन की कमी होती है, क्योंकि जो कार्बन मोनोऑक्साइड जो है कंबाइन कर जाता है हीमोग्लोबिन से, तो ऑक्सीजन की शरीर में कमी होती है। तो जब भी ऑक्सीजन की शरीर में कमी होगी तो शरीर एरिथ्रोपोएटिन हार्मोन निकालता है, और एरिथ्रोपोएटिन बोन मैरो को स्टिमुलेट कर देगा कि ज्यादा से ज्यादा जो है हीमोग्लोबिन बनाओ। तो कब कब हो सकता है, स्मोकिंग के केस में, कोई सीओपीडी का अगर पेशेंट्स है, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज का पेशेंट्स है, एम्फाइसीमा का पेशेंट्स है, लंग फाइब्रोसिस का पेशेंट्स है, एक बहुत कॉमन कंडीशन डेट इज कॉन्जेनाइटल हार्ट डिजीज। इस कंडीशंस में अगर बहुत बार ऐसा होता है कि अगर आपको ऐसी कॉन्जेनाइटल हार्ट डिजीज है जिसमें जो ब्लड जो है मिक्सिंग होता है, प्योर और इम्प्योर ब्लड अगर मिक्स होता है, तो सेल्स को टिश्यूज को जो है प्योर ऑक्सीजन रिच जो ब्लड नहीं मिलता है, जिसके चलते बॉडी सोचता है कि ऑक्सीजन की कमी है, फिर एरिथ्रोपोएटिन रिलीज होता है और फिर जो है बोन मैरो को स्टिमुलेट करके हीमोग्लोबिन बनाता है। ये कंडीशंस में कॉन्जेनाइटल हार्ट डिजीज, साइनोटिक हार्ट डिजीज में होता है। कोई बहुत ऊंचाई पे रहता है, वहां भी ऑक्सीजन की कमी है, तो शरीर सोचेगा कि ऑक्सीजन मिल नहीं रहा है, फिर एरिथ्रोपोएटिन रिलीज होगा।
बहुत कंडीशंस में देखिएगा कि आपका लीवर जो होता है या किडनी में कैंसर होता है, तो जो ट्यूमर होता है, कैंसर वाला जो ट्यूमर्स है, वो ट्यूमर सेक्रीट करने लगता है, एबनॉर्मल जो है सेक्रीट करता है एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन को, और फिर वो एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन बोन मैरो को स्टिमुलेट करके बना देता है। तो ये सब इतने कंडीशंस हैं जिसमें आप देखेंगे कि जो हीमोग्लोबिन की मात्रा काफी बढ़ी हुई है। और एक जेनेटिक कंडीशंस होता है, जेनेटिक मीन्स कि जिसका नाम है पॉलीसाइथेमिया वेरा, इस कंडीशंस में एबनॉर्मली जो है आपका हीमोग्लोबिन काफी ज्यादा रहता है। इस कंडीशंस का ट्रीटमेंट क्या होता है, खासकर अगर हीमोग्लोबिन बहुत ज्यादा है तो ट्रीटमेंट क्या करते हैं, जस्ट आपके याद रखने के लिए कि बहुत बार फ्लेबेक्टोमी बोलते हैं कि नस काट देते हैं और कुछ हद तक जो है खून को रिलीज हो जाने देते हैं। तो कुछ रिलीज होता है तो आयरन का भी लोड कमता है और हीमोग्लोबिन भी कमता है, तो फिर ये नॉर्मल आता है। तो ये इंटरमीडिएट फ्लेबेक्टोमी किया जाता है।